मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा मैच बहुत खतरनाक होने वाला है, मज़ा आने वाला है। काफ़ी ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं यहाँ पे एंड दोनों की टीम्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे आरसीबी को देखें जो कि फिफ्थ पोजीशन पे है अभी टेबल पे रिसेंटली, एंड वहीं पे मुंबई इंडियंस जो कि नाइन्थ पोजीशन पे है तीनों मैच वहाँ पे हार के। तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे आरसीबी पुश करेगी, वो 6 पॉइंट्स को टारगेट करेगी एंड चाहेगी कि वो टॉप फोर में अपनी पोजीशन बना ले अभी, क्योंकि अभी फिफ्थ पोजीशन पे है वो। मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है अभी तक, आप जितने ही मैचेस देखेंगे आप देखेंगे कि मुंबई इंडियंस ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट एंड में जाते जाते कुछ मिस्टेक्स के कारण मैच उनके हाथ से निकल जाता है। एंड वहीं पे अगर आरसीबी की बात करें तो जिस हिसाब से आरसीबी ने शुरुआत करी थी पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, वो वैसी शुरुआत नहीं देखी होगी आपने कभी, बट वहाँ पे पंजाब किंग्स ने जो हराया था आरसीबी को, उसके बाद जो आरसीबी ने कमबैक किया अपने दोनों नेक्स्ट मैचेस में, वो कमेंडेबल है। चाहे वो केकेआर को हराया हो, और ऐसी अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें तो वो भी फॉरवर्ड लुक कर रही होगी कि प्लेयर्स चेंज हुए हैं इस बार। जो मेगा ऑक्शन था उसमें काफ़ी प्लेयर्स इधर से उधर चले गए। हार्दिक पांड्या जो कि बहुत क्रूशल प्लेयर हुआ करते थे मुंबई इंडियंस के, गुजरात टाइटन्स को लीड कर रहे हैं, गुजरात टाइटन्स अभी सेकेंड पोजीशन पर है। मुंबई इंडियंस की जो सेलेक्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि क्या हमने गलती करी हार्दिक पांड्या को भेज के। वहीं पर सिर्फ हार्दिक पांड्या की वजह से गुजरात टाइटन्स लीड नहीं कर रही है, पूरा प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, पूरी टीम को वहाँ पर क्रेडिट मिलना चाहिए। एंड वहीं पर अगर बात करें मुंबई इंडियंस की तो सारी टीम्स को अगर आप देखेंगे उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग, जो सबसे पावरफुल, जिसने सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीते हैं वो है मुंबई इंडियंस। एंड मुंबई पीछे नहीं रहने वाली, मुंबई पक्का कमबैक करेगी आने वाले मैचेस में। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात करी थी सीएसके मुंबई, दोनों बहुत ब्रिलियंट टीम्स हैं एंड आज ना सही बट एंड ऑफ द सीजन आप देखेंगे दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो ये आरसीबी और मुंबई इंडियंस का मैच है, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों के बीच में ये कॉम्पिटिशन रखा जाता है, जहाँ पर विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी गिव करके फैफ डी प्लेसी को दी, वहीं पर रोहित शर्मा अभी भी कप्तान है अपनी टीम के। देखना ये ज़रूरी होगा कि क्या ईशान किशन और फैफ डी प्लेसी दोनों ओपनर में से कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एंड किस बॉलर की ज़्यादा विकेट्स लेने की आज का दिन है। कमेंट करके बताइए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।